लेक्चर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में टोटल कितने इंस्ट्रक्शंस होते हैं और किस तरीके का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हम जो टोटल इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे क्योंकि एक लेक्चर में हम सारे इंस्ट्रक्शंस को कवर नहीं कर पाएंगे। इंस्ट्रक्शंस के बारे में शुरू करने से पहले ये टॉपिक पढ़ने से पहले आप लोगों को इस 8085 माइक्रो प्रोसेसर का इंटरनल आर्किटेक्चर अच्छे से आना चाहिए, साथ में ही इंस्ट्रक्शन साइज क्या होते हैं और एड्रेसिंग मोड कौन से होते हैं ये सब कवर होना चाहिए। उसी के बाद आपको इंस्ट्रक्शंस अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हमारे लेक्चर पर। इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है? देखिए, इंस्ट्रक्शन या अनुदेश एक पैटर्न होता है जो कि हम माइक्रो प्रोसेसर को इनपुट देते हैं जब हमें कोई उससे पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करवाना होता है। अब देखिए, हम जो इनपुट देते हैं वो हम देते हैं असेंबली लैंग्वेज में। हम कोई एक प्रोग्राम लिखते हैं वो हमेशा असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर उस असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि मेमोरी के अंदर जाके सेव किया जा सके, जो कि एक बाइनरी पैटर्न होता है क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर बाइनरी वैल्यूज पे वर्क करता है, 1 या 0 के सेट पे वर्क करता है। तो जो हमारे कंप्लीट जो हमारा इंस्ट्रक्शन होता है, जो हम इनपुट देते हैं प्रोसेसर के अंदर, उसे एक नए कोड में बदला जाता है, एक बाइनरी पैटर्न में बदला जाता है, जैसे कि उस इंस्ट्रक्शन का ओप कोड या इंस्ट्रक्शन बाइट कहते हैं। क्योंकि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में डेटा बस का साइज 8 बिट होता है, यानी एक टाइम पर हम एक मेमोरी लोकेशन पे 8 बिट सेव कर सकते हैं, इसलिए ओप कोड भी हमारा 8 बिट का होता है। जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। 8085 में टोटल 246 इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जिसमें से कि 74 कॉमन इंस्ट्रक्शन हैं और 46 के लिए हमें ओपकोड अवेलेबल होता है। नेक्स्ट देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट। हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन को टोटल 5 पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है। फर्स्ट टाइप होता है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे कि डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन का कि जो एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफर करते हैं, 8 बिट की वैल्यू को ट्रांसफर करते हैं या 16 बिट की वैल्यू को भी ट्रांसफर करते हैं, वो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस ग्रुप में आते हैं। वो डेटा जो ट्रांसफर होता है वो तो आइदर या तो रजिस्टर बीच में होता है या फिर रजिस्टर से मेमोरी के बीच में या वाइस वर्सा होता है। जो भी डेटा जहाँ से ट्रांसफर किया जाता है उसे सोर्स रजिस्टर या सोर्स बोलते हैं, और जहाँ पे डेटा स्टोर किया जाता है उसे डेस्टिनेशन बोलते हैं। जब डेटा ट्रांसफर किया जाता है तो सोर्स का कंटेंट कभी भी चेंज नहीं होता, कंटेंट एज इट इज रहता है। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर का, जो कि डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस में से है, मूव इंस्ट्रक्शन, MOV। MOV का मतलब क्या होता है कि डेटा को मूव करना। लिखा हुआ है MOV, लिखा हुआ है MOV RD:S। R का मतलब सोर्स रजिस्टर, RD का मतलब डेस्टिनेशन रजिस्टर। इस सोर्स रजिस्टर के कंटेंट को डेस्टिनेशन रजिस्टर में मूव करना है। इस मूव में कभी भी RS का वैल्यू चेंज नहीं होगा, RS की वैल्यू जो थी वो रहेगी, RD की वैल्यू अब नई वैल्यू हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, जो कि RS के इक्वल हो जाएगी। सेकेंड हम कर सकते हैं मूव M:RS। M का मतलब क्या होता है? M बाई डिफॉल्ट एक मेमोरी लोकेशन होती है जो कि HL पेयर द्वारा प्रदर्शित की जाती है। H और L रजिस्टर मिलकर जो एक 16 बिट की वैल्यू बनाते हैं उस एड्रेस को बोलते हैं M एड्रेस, और उसके कंटेंट उस लोकेशन पे हम RS की वैल्यू को मूव करेंगे, सोर्स की वैल्यू को उस मेमोरी लोकेशन पर जाके मूव करेंगे, यानी उस मेमोरी का कंटेंट अब चेंज हो जाएगा जो कि RS की वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है RD:M, यानी M मेमोरी लोकेशन से डेटा को डेस्टिनेशन रजिस्टर में कॉपी करना। यहाँ पे हमारे सोर्स या डेस्टिनेशन रजिस्टर्स माइक्रो प्रोसेसर के जनरल पर्पज रजिस्टर्स होते हैं, जो कि A, B, C, D, E, H और L हो सकते हैं। M हमारा मेमोरी लोकेशन होता है जो कि HL पेयर के वैल्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल है ये MOV B:C। इसका मतलब ये है कि C रजिस्टर की जो भी वैल्यू है उसको B के अंदर मूव कर दीजिए। मान लीजिए C बराबर 25H है, हेक्साडेसिमल में है। अगर इसी को बाइनरी में लिखेंगे तो 25 का मतलब बाइनरी पैटर्न क्या हो जाएगा, 2 का मतलब 0010 और 5 का मतलब 0101। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये कन्वर्जन आता है कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, वाइस वर्सा कैसे करते हैं।
बाइनरी की चार डिजिट को हम हेक्साडेसिमल की एक डिजिट से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है मूव बी कोमा एम। एम एक मेमोरी लोकेशन, मान लीजिए एच एल पी एल की वैल्यू है 2005, 2005 है, तो 2005 एक मेमोरी लोकेशन बनेगी मेमोरीज में से। उस लोकेशन पे जो डेटा है उसको उठाकर हमें बी के अंदर मूव करना है, इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रक्शन है एम वी आई। एक मिनट, अब हम जब इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं तो हम साथ साथ कवर करके चलते हैं कि उसमें एड्रेसिंग मोड कौन सा है और कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि इससे पहले के लेक्चर में हमने ये कवर कर लिया है कि कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है, वो कैसे पता करते हैं और एड्रेसिंग मोड्स कैसे पता करते हैं। इस इंस्ट्रक्शन में एड्रेसिंग मोड कौन सा लगेगा, आर डी को मार एस, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, ठीक है। और साइज क्या होगा इंस्ट्रक्शन का, 1 byte इंस्ट्रक्शन होगा, जैसे मूव बी कोमा सी है। कंप्लीट के लिए एक ओप कोड डिफाइन होगा जो कि एक मेमोरी लोकेशन एक्वायर करेगा, इसलिए 1 byte का इंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट हमारा है एम वी आई आर डी कोमा डेटा मूव इमीडिएट 8 bit। एम वी आई, जब मैंने आप लोगों को एड्रेसिंग मोड पढ़ाए थे तो उस समय जब बताया था कि जब आई आ जाता है इंस्ट्रक्शन के एंड में, इसका मतलब होता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होता है। और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि जो भी डेटा जिसके ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो डेटा खुद इंस्ट्रक्शन के अंदर दिया जाता है। तो एम वी आई आर डी कोमा डेटा, यहाँ पर डेटा खुद इंस्ट्रक्शन के अंदर दिया गया है। एग्जाम्पल देखिए, एम वी आई बी कोमा 57H। मूव का ही मूव इंस्ट्रक्शन ही ये है, लेकिन इमीडिएट मूव है क्योंकि डेटा खुद दिया गया है, 8 bit का डेटा। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया कि 57 जो वैल्यू है उसको बी के अंदर मूव कर दो। ये इंस्ट्रक्शन को मेमोरी लोकेशन के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं कि जैसे एम वी आई एम कोमा 57H, इसका मतलब ये है कि एम जो कि एच एल रजिस्टर की वैल्यू के इक्वल है उस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करना है हमें 57 को, या मूव करना है 57 को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एल डी ए 16 bit एड्रेस। एल डी का मतलब होता है लोड, ए का मतलब एक्यूमुलेटर, यानी लोड एक्यूमुलेटर विद डेटा या कंटेंट ऑफ दिस एड्रेस। एड्रेसिंग मोड कौन सा हो गया, क्योंकि 16 bit एड्रेस डायरेक्टली दिया गया है इसलिए एड्रेसिंग मोड हो गया डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। हमें एक्यूमुलेटर के अंदर डेटा मूव करना है इस एड्रेस पर जो डेटा स्टोर है। ये देखिए एल डी ए 2034, मतलब क्या है 2034 जो कि एक मेमोरी लोकेशन है, इस लोकेशन पर जो डेटा सेव है उसको एक्यूमुलेटर में लाके लोड करना है, ठीक है। एक्यूमुलेटर की वैल्यू में डालना है उस वैल्यू को जो कि 2034 पर स्टोर की गई है। कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया है, इस तरफ से देखिए स्कैन करते चलिए, ये कंप्लीट अभी 1 byte, ठीक है। फिर लोअर एड्रेस 8 bit का, फिर हायर एड्रेस 8 bit का, तो 1 byte एल डी के लिए जो कि ओप कोड होगा, फिर लोअर एड्रेस 34 से होगा, उसके बाद हायर एड्रेस 20 से होगा। इस तरीके से टोटल मेमोरी में स्टोर करने में से इंस्ट्रक्शन को हमें 3 byte की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए 3 byte इंस्ट्रक्शन है। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट हमारा है एल डी ए एक्स। एल डी ए एक्स सिमिलर है एल डी ए के, चेंज क्या हो गया, यहाँ पर एक्स लिख दिया गया। एक्स मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी किसी इंस्ट्रक्शन में एक्स मेंशन होता है इसका मतलब हमेशा रजिस्टर पेयर प्रेजेंट होता है। एल डी ए का मतलब होता है लोड एक्यूमुलेटर, एक्स का मतलब रजिस्टर पेयर से, कि जो भी रजिस्टर पेयर आगे दिया गया है वो रजिस्टर पेयर एक 16 bit की वैल्यू बताएगा और उस एड्रेस से मेमोरी लोकेशन में उस एड्रेस की जो डेटा है उसको उठाकर हमें एक्यूमुलेटर में ला के लोड करना है। लोड एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट, नाम से ही पता चल रहा है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, क्योंकि एड्रेस डायरेक्ट नहीं दिया गया। यहाँ पे जो रजिस्टर पेयर हैं वो हो सकते हैं बी सी और डी पेयर हो सकते हैं। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि जो भी आगे रजिस्टर पेयर दिया गया इस कंटेंट का एक लोकेशन बनेगा मेमोरी लोकेशन, उस लोकेशन का डेटा उठाकर एक्यूमुलेटर में लोड करना है, और बी और डी की जो भी वैल्यू वो कभी भी अल्टर नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए LXI इंस्ट्रक्शन। LXI का मतलब क्या है, L का मतलब लोड, X का मतलब रजिस्टर पेयर, I का मतलब इमीडिएट, ठीक है। जब भी I आ गया, इमीडिएट आ गया, इसका मतलब आगे डेटा आना चाहिए। X आ गया मतलब रजिस्टर आना चाहिए। इसका फॉर्मेट देखिए किस तरीके से होता है, LXI रजिस्टर पेयर कोमा 16 bit डेटा।
यानी नेक्स्ट कंटिन्यू करते हुए हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आता है LXI इंस्ट्रक्शन। LXI रजिस्टर पेयर कोमा 16 बिट डेटा, ये इसका फॉर्मेट है। अब देखिए क्या मतलब है, यहाँ पे L का मतलब है लोड, X का मतलब रजिस्टर पेयर दिया गया, I का मतलब इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। यानी इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या दिया जाता है, हमें डेटा दिया जाता है, यानी जो भी यहाँ 16 बिट की वैल्यू है वो डेटा होगी, ठीक है। और रजिस्टर पेयर में उस वैल्यू को लोड करना है, क्योंकि 16 बिट का डेटा है तो हमें स्टोर करने के लिए एक 16 बिट का रजिस्टर चाहिए, जो कि सिर्फ पेयर वाले रजिस्टर बनाते हैं, ये तो BCDE और HL पेयर, ये तीन पेयर ऐसे होते हैं जिसमें हम 16 बिट के डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू प्रेजेंट हो गया तो बी होगा या डी होगा या एच होगा। इसमें हम ये भी एक डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है, जो ये 16 बिट का डेटा है वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा इस रजिस्टर पेयर के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए LXI S2034, आप कभी भी इस चीज़ से कन्फ्यूज मत होना कि सिर्फ एच लिखा है, जब एक्स आ जाता है तो बाई डिफॉल्ट आप समझ लेना कि ये पेयर में, इसका मतलब एच और एल है, क्योंकि हम रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं कि जो भी पेयर में हायर वैल्यू बताता है, जैसे HL में H बताता है, BC में B बताता है, DE में D बताता है, तो वो हाई वैल्यू को हम सिर्फ यहाँ पे लिखते हैं, लोअर बाइट वाले रजिस्टर को हम नहीं लिखते, नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। तो LXI H 2034 H का मतलब ये है कि HL रजिस्टर में ये वैल्यू को लोड कर दीजिए, H में वैल्यू आ जाएगी हायर वाली 20 और L में वैल्यू आ जाएगी 34, ठीक है। कौन सा एड्रेसिंग मोड हो गया, नाम से पता चल रहा है कि I लास्ट में है, इसका मतलब इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया है, यहाँ से स्कैन करते चलिए, 1 byte, देन हायर ऑर्डर 2 byte, देन लोअर ऑर्डर 3 byte, यानी इस इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में स्टोर करने के लिए हमें 3 लोकेशंस की आवश्यकता होगी, इसलिए 3 byte इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है LHLD, इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, देखिए इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है, LH फॉर्मेट देख लीजिए, LHLD 16 बिट एड्रेस, LD का मतलब लोड है, L और D का मतलब लोड है, HL का मतलब HL पेयर को, कि जो भी आगे एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस के कंटेंट को हमें डालना है L में, और उससे नेक्स्ट वाले जो एड्रेस होगा उसके कंटेंट को हमें डालना है H के अंदर। लोड HL पेयर डायरेक्ट, LHLD का मतलब होता है लोड HL पेयर डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, जो भी यहाँ दिया गया है वो एक एड्रेस होगा जो कि 16 बिट की एक वैल्यू होगी, उस एड्रेस पे जो डेटा स्टोरेज, जो कंटेंट है उस एड्रेस का, वो हम डालेंगे लोअर बाइट में, और उससे नेक्स्ट वाली जो लोकेशन है उसका एड्रेस डालेंगे हम हायर बाइट में। ये एक कॉमन सा रूल है माइक्रो प्रोसेसर का कि लोअर बाइट का जो लोअर एड्रेस होता है उसकी वैल्यू हमेशा लोअर बाइट में जाती है, हायर एड्रेस होता है उसकी वैल्यू हायर बाइट में जाती है, जबकि हम 16 बिट की वैल्यू स्टोर करते हैं उस केस में बता रहे हैं, ठीक है। दिस इंस्ट्रक्शन कॉपीज द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड आउट बाई 16 बिट एड्रेस इन टू रजिस्टर L। जो ये 16 बिट का एड्रेस है, एग्जाम्पल में देखिए LHLD 2040H, लोड HL डायरेक्ट विद दिस लोकेशन, इस लोकेशन से HL पेयर को हमें लोड करना है। इसका मतलब ये 2040 जो लोकेशन है मेमोरी, अगर आप ड्रॉ करके देखेंगे तो जैसे मान लीजिए यहाँ 2040 लोकेशन है, 2040 लोकेशन पे जो डेटा सेव है 8 बिट का डेटा, वो हम डालेंगे L रजिस्टर में, और उससे नेक्स्ट वाला जो लोकेशन है 2041 उस लोकेशन का डेटा हम डालेंगे H में, ठीक है। ये हो गया हमारा डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन LHLD, ठीक है। कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, अब तो आप लोगों को डायरेक्ट देख के ही समझ में आना चाहिए, 1 ओपकोड के लिए 1 लोकेशन, देन लोअर बाइट के लिए 1 लोकेशन, और देन हायर बाइट के लिए 1 लोकेशन, टोटल 3 लोकेशंस की रिक्वायरमेंट है, इसलिए 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। एड्रेसिंग मोड कौन सा हो गया, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, नाम में दे रखा है LHLD लोड डायरेक्ट, यानी ये जो दिया गया है ये वैल्यू, ये यहाँ पे एड्रेस है, इसलिए डायरेक्ट, जब एड्रेस सीधा दे दिया जाता है इंस्ट्रक्शन के अंदर तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रक्शन है STA,
store accumulator, STA store ANE accumulator. LDA और STA load, LDA instruction load accumulator है, STA instruction store accumulator है, क्योंकि हम accumulator में data load कर रहे हैं, accumulator का data को कहीं ले जाके store कर रहे हैं, इसलिए आगे जो हमें requirement है वो एक 16 bit का address होगा और इसमें direct addressing mode लगेगा. STA format देखिए, STA 16 bit address यानी store accumulator direct with on this address, जो भी आगे address दिया गया है 16 bit का address, एक्यूमलेटर की वैल्यू को माइक्रो प्रोसेसर से उठा के मेमोरी के अंदर ले जाके उस लोकेशन पर जाके स्टोर करनी है. देखिए क्या एग्जांपल से देखिए, एसटीए 2500H, इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक्यूमलेटर, मान लीजिए एक्यूमलेटर की वैल्यू है 35H, किसी दो किसी ऑपरेशन का रिजल्ट है, उस वैल्यू को हमें 2500 जो कि एक मेमोरी लोकेशन है माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी में, उस लोकेशन पर उठा के हमें माइक्रो एक्यूमलेटर की वैल्यू को ले जाकर स्टोर करना है. ये इस इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है. कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है? 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है. कौन सा एड्रेसिंग मोड है? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, क्योंकि एड्रेस दिया गया है इंस्ट्रक्शन के खुद के अंदर. नेक्स्ट देखिए, जैसे एलडीए के साथ एलडीएएक्स होता था, वैसे ही एसटीए के साथ एसटीएएक्स होता है. नाम से ही पता चल जाएगा. देखिए, एसटी यानी स्टोर, ए यानी एक्यूमलेटर, एक्स यानी रजिस्टर पेयर, यानी हमें एक्यूमुलेटर को स्टोर करना है. अब कहाँ स्टोर करना है? एक्स एक रजिस्टर पेयर है, उस वो रजिस्टर पेयर एक पेयर है, इसलिए इसका मतलब 16 बिट की वैल्यू बताएगा. उस एड्रेस पर ले जाके हमें एक्यूमुलेटर को स्टोर करना है, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस तो दिया गया है लेकिन डायरेक्ट रूप से नहीं दिया गया है, किसी रजिस्टर के अंदर डाल के दिया गया है, इसलिए कौन सा एड्रेसिंग मोड हो गया? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. क्या मतलब होता है? देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एस टी ए एक्स बी. इसका मान लीजिए बी सी की वैल्यू है 3035, यानी बी की वैल्यू 30 एंड सी की वैल्यू 35. जैसे ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होएगा, बी और सी मिलके एक वैल्यू बनाएंगे 3035, जो कि मेमोरी में एक एड्रेस होगा. 3035 कोई मेमोरी में एक लोकेशन होगी, हमें एक्यूमुलेटर की वैल्यू को उस लोकेशन पर जाके स्टोर करना है. सिमिलरली एस टी ए एक्स डी यानी डी ई रजिस्टर मिलकर जो वैल्यू बनाएंगे वो एक 16 बिट का एड्रेस बनेगा, उस एड्रेस पर ले जाके हमें एक्यूमुलेटर को स्टोर करना है. इसलिए हो गया इनडायरेक्ट रूप से एड्रेस दिया जा रहा है, इसलिए इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है? क्योंकि यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, कंप्लीट एस टी एक्स बी को हम सिर्फ एक ओपकोड दे सकते हैं, इसलिए 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है. नेक्स्ट देखिए, एस एच एल डी स्टोर, जैसे एल एच एल डी था सेम ऐसे एस एच एल डी. एल एच एल डी का मतलब था लोड, एस का मतलब स्टोर, एच एल पेयर डायरेक्ट. हमें एच एल पेयर की वैल्यू को डायरेक्टली किसी लोकेशन पर ले जाके स्टोर करनी है. जब डायरेक्ट आ गया इसका मतलब आगे एक एड्रेस दिया जाना चाहिए, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है. तो एस एच एल डी 16 बिट एड्रेस. एग्जाम्पल से देखिए, एस एच एल डी 2550. जैसे एल एच एल डी में किया था ना, कि जो एड्रेस दिया गया था उसकी वैल्यू को हमने, उस वैल्यू को लोड किया था किस में? एल में. और उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू को हमने लोड किया था किसके अंदर? एच के अंदर. सेम इसी तरीके से होगा. यहाँ पे 2050 हमें दिया गया है, नेक्स्ट इससे आगे की लोकेशन होगी 2050 नहीं है, 2550 है. नेक्स्ट इससे आगे की लोकेशन हो जाएगी 2551. हम 2550 लोकेशन पर ले जाके स्टोर करेंगे एल को, और इससे जो आगे वाली लोकेशन आ जाएगी, जो आएगी 2551, उस लोकेशन पर हम स्टोर करेंगे एच को. वो सेम रूल फॉलो होगा, लोअर एड्रेस लोअर बाइट स्टोर करेगा, हायर एड्रेस हायर बाइट स्टोर करेगा. देख लीजिए, द कंटेंट ऑफ रजिस्टर एच आर स्टोर्ड इन टू द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन. ये लोकेशन है, उससे नेक्स्ट जो लोकेशन होगी उस पर हम एच की वैल्यू स्टोर करेंगे, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी में हम 8085 में एक लोकेशन पे हम 8 बिट सेव कर सकते हैं. एच एल हमारा टोटल 16 बिट रिप्रेजेंट करेगा, 8 बिट इसकी 8 बिट इसकी, इसलिए अगर हमें 16 बिट स्टोर करनी है तो हमें दो लोकेशन की जरूरत होगी. तो एक लोकेशन तो ये जो दी गई है, एक लोकेशन उससे जस्ट आगे वाली लोकेशन, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता है एक से, इसलिए नेक्स्ट आगे वाली लोकेशन. नेक्स्ट देखिए, एक्स सी एच जी क्या मतलब है? इस इंस्ट्रक्शन का मतलब एक्स यानी एक्सचेंज, एच जी. अब इसका कोई यहाँ से डायरेक्ट मतलब नहीं निकलता, एच से समझ लीजिए एच एल पेयर को एक्सचेंज करना है. किसके साथ एक्सचेंज करना है? डी ई के साथ. एच एल पेयर एंड डी ई पेयर की वैल्यू को हमें आपस में एक्सचेंज करना है. देखिए ये एग्जांपल मैंने उस टाइम भी पढ़ाया था जब हम डब्ल्यू जेड की वैल्यू पढ़ रहे थे,
जब आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे उसमें बताया था कि टेम्परेरी रजिस्टर होते हैं जो इंटरनली माइक्रो प्रोसेसर यूज करता है, हम बाहर से उसे प्रोग्राम नहीं कर सकते। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा XCHG इंस्ट्रक्शन। ठीक है, XCHG इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज HL पेयर विद DE पेयर, कि जो भी हमारे HL रजिस्टर की वैल्यू है उसको DE रजिस्टर की वैल्यू के साथ एक्सचेंज करना है, इंटरचेंज करना है। जो D की वैल्यू है वो H में जाएगी, E की वैल्यू L में जाएगी, यानी लोअर बाइट जाती है लोअर बाइट में, हायर बाइट जाएगी हायर बाइट में। ये इंस्ट्रक्शन हमने उस टाइम भी डिस्कशन किया था जब हम आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं। आर्किटेक्चर में जो WZ पेयर होते हैं जो कि टेम्परेरी रजिस्टर पेयर होते हैं, वो इस इंस्ट्रक्शन में काम आते हैं, जो कि इंटरनली डेटा को स्टोर करने काम आएंगे जब 16 बिट का डेटा ट्रांसफर करना होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए SPHL। SPHL का मतलब ये है कि HL की वैल्यू को SP के अंदर कॉपी करना है। SP यानी स्टैक पॉइंटर, HL यानी HL पेयर। HL पेयर जो कि एक 16 बिट की वैल्यू दर्शाता है, उस वैल्यू को 16 बिट की वैल्यू को स्टैक पॉइंटर में कॉपी करना है। स्टैक पॉइंटर का मतलब होता है स्टैक के टॉप की वैल्यू बताता है, जो कि एक 16 बिट का एड्रेस होता है कि स्टैक यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, 1 byte का इंस्ट्रक्शन है। कौन सा एड्रेसिंग मोड हो गया? इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड, क्योंकि कोई ऑपरेंड नहीं दिया गया है। नेक्स्ट देखिए XTHL, एक्सचेंज स्टैक टॉप ऑफ स्टैक विद HL, कि जो भी HL की 16 बिट की वैल्यू उसको स्टैक के टॉप से एक्सचेंज करना है। फर्स्ट में हमने कॉपी किया था कि जो HL की वैल्यू थी उसको स्टैक पॉइंटर पे डाला था, स्टैक की वैल्यू को वापस HL में नहीं डाला था, और इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है एक्सचेंज करना। एक्सचेंज का मतलब ये HL की जो 16 बिट की वैल्यू उसको SP में डालो, और SP की जो वैल्यू वापस उसको HL में डालो। तो किस तरीके से कॉपी होंगे? देखो SP की वैल्यू नहीं कहेंगे, SP पे जो डेटा स्टोर है ना वो कॉपी होता है। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है, मान लीजिए एग्जाम्पल से समझते हैं, XTHL इंस्ट्रक्शन है, इसमें SP की वैल्यू है 2025, यानी 2025 हमारी स्टैक पॉइंटर की वैल्यू है। तो उस वैल्यू पर जो डेटा है वो डेटा, क्योंकि एक मेमोरी एड्रेस होंगे तो कंटिन्यूस मैनर में होंगे, 2025 पे, फिर 26 पे, 27 पे, 28, इस तरीके से डेटा स्टोर होगा स्टैक में, इस तरीके से डेटा स्टोर होता है। तो जो 2025 पे डेटा स्टोर है वो वैल्यू हमारी एक्सचेंज होगी एल के साथ, और जो 2026 पे डेटा स्टोर है वो वैल्यू हमारी एक्सचेंज होगी किसके साथ? एच के साथ, क्योंकि 2026 हायर ऑर्डर का डेटा है, तो ये डेटा हमारा एच में जाएगा। जो लोअर ऑर्डर का डेटा है 2025 का, जो कि स्टैक पॉइंटर की खुद की वैल्यू है, उस लोकेशन पे जो डेटा है वो लोअर बाइट यानी एल रजिस्टर के साथ एक्सचेंज होएगा। इससे जो फर्स्ट, इससे जस्ट पहले का इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ा है SPHL। देखो इस इंस्ट्रक्शन में और XTHL में क्या अंतर होता है? SPHL इस इंस्ट्रक्शन में जो HL की, मान लीजिए HL की वैल्यू 2000 नहीं कहीं, बार बार ले लिया एग्जाम्पल, 4045 लोकेशन है, वैल्यू है HL की, तो ये वैल्यू स्टैक पॉइंटर में जाके सेव हो जाएगी। स्टैक पॉइंटर खुद एक 16 बिट का रजिस्टर होता है, तो इस इंस्ट्रक्शन के बाद SP की नई वैल्यू हो जाएगी 4045, ये जो कि स्टैक पॉइंटर की वैल्यू, यानी टोटल लोकेशन ही बदल गई है। कि पहले लोकेशन मान लीजिए SP की वैल्यू थी 2000, और अब इस इंस्ट्रक्शन के बाद SP की वैल्यू हो जाएगी स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 4045, यानी पहले स्टैक शुरू होती थी 2000 लोकेशन से, अब स्टैक शुरू होगी 4045 से। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि हमारी स्टैक मान लीजिए 4045 लोकेशन से शुरू होती है, तो 4045 लोकेशन पे जो डेटा स्टोर है, मान लीजिए वो डेटा है A0, तो वो डेटा हम कॉपी करेंगे L रजिस्टर के अंदर, और जो 4046 उससे जस्ट नेक्स्ट लोकेशन है उस पे जो डेटा सेव है, मान लीजिए वो डेटा है 25, तो वो 25 स्टोर होएगा हमारा H के अंदर। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आया? उसके अंदर एड्रेस आपस में भी नहीं कहेंगे, HL की वैल्यू स्टैक पॉइंटर में जा रही थी जो कि एड्रेस जा रहा था, इस समय डेटा एक्सचेंज हो रहा है स्टैक पॉइंटर पे, जो टॉप का डेटा है स्टैक का वो वैल्यू एंड उससे नेक्स्ट लोकेशन की वैल्यू एक्सचेंज हो रही है HL की वैल्यूज के साथ। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा PCHL, कि HL की वैल्यू को PC के अंदर लोड कीजिए, जो भी HL रजिस्टर की 16 बिट की वैल्यू अब इस 16 बिट के रजिस्टर में जाके डाल दी जाएगी। प्रोग्राम काउंटर खुद एक 16 बिट का रजिस्टर है जो कि HL की 16 बिट की वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है, कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है? 1 byte का इंस्ट्रक्शन है। एड्रेसिंग मोड कौन सा है? इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारे पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन, जो कि स्टैक में डेटा इंसर्ट करने के लिए, स्टैक से डेटा बाहर निकालने के लिए यूज किए जाते हैं।
पुश इंस्ट्रक्शन हमारा स्टैक के अंदर डेटा इंसर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एट ए टाइम हम स्टैक में 2 बाइट इंसर्ट कर सकते हैं, इसलिए पुश के साथ हमेशा रजिस्टर पेयर आता है जो कि 2 बाइट स्टैक के अंदर पुश कर सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 10 प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर रखी हैं, ठीक है, और सबसे नीचे वाली प्लेट का नंबरिंग है, मतलब ऊपर से नंबरिंग करते हैं, फर्स्ट प्लेट को हम मानते हैं, एक नंबर देते हैं, एक नहीं कहेंगे, एक बार के लिए 5 नंबर दो, हम टोटल 15 रख सकते हैं, 5 नंबर फर्स्ट प्लेट का है, देन 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से 10 प्लेट है तो 15 तक की प्लेट रखी है, नंबरिंग अगर दे दो। अभी ओड नंबरिंग क्यों दिए समझ लेंगे अभी। अब हम जब 10 प्लेट है, 10 के ऊपर 11वीं प्लेट अगर हमें ऊपर रखनी होगी तो उसकी नंबरिंग कौन सी होगी, 4, और जब उसके ऊपर एक और रखेंगे तो उसकी नंबरिंग क्या होगी, 3। इसी तरह मेमोरी में स्टैक की नंबरिंग होती है। स्टैक को हम प्रदर्शित करते हैं स्टैक पॉइंटर से। स्टैक पॉइंटर होता है टॉप की लोकेशन की वैल्यू, सबसे स्टैक का टॉप का जो एड्रेस होता है वो स्टैक पॉइंटर होता है। तो मान लीजिए अगर 10 प्लेट रखी है और सबसे ऊपर की प्लेट की नंबरिंग है 5, तो अगर हमें और प्लेट इंसर्ट करनी है तो उस 5 को घटा के 4 करेंगे, उस लोकेशन पे हम एक प्लेट रखेंगे, फिर एक घटाएंगे, फिर 3 करेंगे, उस लोकेशन पे नेक्स्ट प्लेट रखेंगे। ये 2 प्लेट क्यों रखवाइए, क्योंकि हम एट ए टाइम स्टैक में 2 बाइट डाल सकते हैं। जो जो पहली बाइट होगी, एग्जांपल लेते हैं, पुश बी एक इंस्ट्रक्शन है, पुश बी का मतलब होता है स्टैक के अंदर हमें बी सी पेयर को पुश करना है, यानी लोअर बाइट पे सी, हायर बाइट पे बी। तो और स्टैक पॉइंटर की वैल्यू मान लीजिए 4045 है, तो 4045 तक स्टैक भरी हुई है, इससे जस्ट पहले की लोकेशन क्या होगी, 4044, यानी जब भी हम पुश करते हैं तो स्टैक पॉइंटर को डिक्रीमेंट करते हैं, घटाते हैं, तो एक से डिक्रीमेंट किया है, लोकेशन हो गई 4044, 4044 पे हमने रखा हायर बाइट को बी को, फिर एक से डिक्रीमेंट किया, फिर लोकेशन हो गई 4043, इस पे हमने रखा नेक्स्ट लोकेशन को जो कि हमारी लोअर बाइट है जो कि सी है। इस तरीके से हम स्टैक में एट ए टाइम 2 बाइट पुश कर सकते हैं। देखिए, स्टैक पॉइंटर इज डिक्रीमेंट इन द कंटेंट ऑफ हायर ऑर्डर रजिस्टर आर कॉपीड इनटू स्टैक, यानी बी, डी, एच और ए, इनकी वैल्यू तो किस में जाएंगी, स्टैक पॉइंटर SP-1 पे, और नेक्स्ट जो लोअर बाइट है वो जाएंगी SP-2 लोकेशन पे। नेक्स्ट देखिए, पॉप इंस्ट्रक्शन। पॉप का मतलब ये है कि हमें स्टैक से डेटा बाहर निकालना है। स्टैक पॉइंटर की वैल्यू हम फिर से मान रहे हैं 4045 है। अब 4045 है तो अगर हमें डेटा पॉप रजिस्टर पेयर, यानी रजिस्टर पेयर जो आगे दिया गया है, इसमें डेटा पॉप करना है, बाहर निकालना है। एग्जाम्पल लिया है पॉप HL, यानी जो भी वैल्यू वो HL में डलेंगी। तो मान लीजिए 4045 स्टैक पॉइंटर की वैल्यू है, तो जो 4045 लोकेशन है इसकी वैल्यू जाएगी L के अंदर, फिर हम स्टैक पॉइंटर को एक से बढ़ाएंगे जो हो जाएगा 4046, और 4046 की लोकेशन की वैल्यू जाएगी एच के अंदर, यानी लोअर बाइट लोअर रजिस्टर में, हायर बाइट हायर ऑर्डर रजिस्टर में जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आउट इंस्ट्रक्शन। आउट इंस्ट्रक्शन क्या होता है, आउट इंस्ट्रक्शन होता है आउटपुट देने के लिए। आउट इंस्ट्रक्शन के साथ हमेशा एड्रेस दिया जाता है, 8 बिट का पोर्ट एड्रेस होता है। कभी कंफ्यूज मत होना इन और आउट इंस्ट्रक्शन के साथ, क्योंकि इन और आउट में हमेशा पोर्ट एड्रेस साथ में दिया जाता है, जो कि इनपुट पोर्ट का एड्रेस होता है या आउटपुट पोर्ट का एड्रेस होता है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में इनपुट आउटपुट पोर्ट के एड्रेस 8 बिट के होते हैं, तो इसलिए आउट के साथ 8 बिट पोर्ट एड्रेस होता है। तो कौन सा एड्रेसिंग मोड हो गया, क्योंकि एड्रेस है इसलिए डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया। कॉपी डेटा फ्रॉम द एक्यूमुलेटर टू ए पोर्ट विद 8 बिट एड्रेस। आउट इंस्ट्रक्शन और इन इंस्ट्रक्शन हमेशा एक्यूमुलेटर के साथ यूज होते हैं। जब भी आउट लिखा होता है, आउट 8 बिट पोर्ट का मतलब है, जैसे एग्जाम्पल आउट 78, इसका मतलब है जो भी एक्यूमुलेटर की वैल्यू हो 78H, कोई आउटपुट डिवाइस, कोई पोर्ट है एक माइक्रो प्रोसेसर की, उस पोर्ट का एड्रेस है, उसके साथ कोई डिवाइस कनेक्ट होगी, मान लीजिए उसके साथ प्रिंटर कनेक्ट है, तो जो भी हमारा एक्यूमुलेटर का कंटेंट होगा वो उस प्रिंटर के थ्रू प्रिंट होकर आउटपुट हमें मिलेगा। ये हो गया आउट 78H का मतलब। नेक्स्ट है इन इंस्ट्रक्शन। इन इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट भी सेम है, इन 8 बिट पोर्ट एड्रेस। एड्रेसिंग मोड हो गया डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया, 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया। ये एक्यूमुलेटर के अंदर डेटा इनपुट लेने के लिए ये इंस्ट्रक्शन यूज होता है। जब बाहर से किसी पोर्ट पे हम डेटा कोई वैल्यू देते हैं, उसको डायरेक्ट सबसे पहले इनपुट आता है एक्यूमुलेटर के अंदर, यानी इन और आउट इंस्ट्रक्शन दोनों एक्यूमुलेटर के साथ यूज होते हैं। इसी के साथ आज हमारे डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।